तीन बकरियां और ट्रॉल। एक समय की बात है, एक घास से भरे पहाड़ पर तीन बकरियां रहती थी। तीनों हमेशा भूखी रहती थी और वो हमेशा खाती रहती थी और जल्द ही सारी घास खत्म हो गई। और एक दिन बकरियों ने देखा कि सामने वाली पहाड़ पर खूब सारी हरी हरी घास है और ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। दो पहाड़ों के बीच में एक नदी थी और नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था और अगर उस पार जाना हो तो उस पुल को पार करना पड़ता था। सबसे छोटी वाली बकरी ने कहा, अरे वाह, ये घास तो कितने लंबे लंबे हैं, कितने हरे हरे हैं, इतने सारे घास, ये सब तो सिर्फ मेरे लिए है। अगर मैं उस पुल से उस तरफ चली गई तो ये सारी घास मैं खा सकती हूँ। वो छोटी बकरी बहुत खुश होकर पुल पार करने लगी, ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसी पुल के नीचे एक ट्रॉल रहता था। ट्रॉल ने उस बकरी की आवाज सुनी और कहा, कौन है जो मेरे पुल पर चल रहा है? बकरी ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा, मैं हूँ छोटी सी भूखी बकरी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाइए, मैं तो बहुत छोटी हूँ। मेरी बड़ी बहनें आ रही हैं, वो बहुत बड़ी है और बहुत रसीली भी, आप उनके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और उन्हें खाइए। ट्रॉल ने कहा, ठीक है, तुम पुल पार करके जा सकती हो, मैं उनका इंतजार करता हूँ। वो छोटी सी बकरी पुल पार करके चली गई और उसने घास को देखा और वो बहुत खुश हुई। और उस छोटी बकरी को घास खाते हुए मंझली बकरी ने देखा और उसने सोचा, अरे वाह, ये घास कितने लंबे लंबे हैं, ये घास कितने हरे हरे हैं, ये घास तो मेरे लिए है। अगर मैं पुल पार करके उस तरफ चली जाऊं तो मैं वो घास खा सकती हूँ। और वो बकरी पुल पार करने लगी, ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप। पर वो नहीं जानती थी कि उसी पुल के नीचे एक ट्रॉल रहता था। कौन है जो मेरे पुल पे चल रहा है? मछली बकरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं हूँ मछली बकरी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाइए, मैं तो मछली हूँ ना, मेरी बड़ी बहन अभी आ रही है, वो तो बहुत बड़ी है और बहुत रसीली भी, थोड़ा इंतजार कीजिए और उसे खाइए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम पुल पार करके जा सकती हो, मैं उसका इंतजार करता हूँ। वो बहुत भूखी थी, वो घास देखकर बहुत खुश हो गई और उसने घास खाना शुरू किया। ये देखकर बड़ी बकरी ने सोचा, अरे वाह, कितनी लंबी लंबी घास है, कितनी हरी हरी है, ये सब तो मेरे लिए है, मैं उसे खा सकती हूँ। अगर मैं पुल पार करके उस तरफ चली गई, वो बहुत खुश हुई और पुल पार करने लगी, ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप। पर वो नहीं जानती थी कि पुल के नीचे एक ट्रॉल रहता था। ट्रॉल ने उसकी आवाज सुनी और कहा, कौन है जो मेरे पुल पे चल रहा है? बड़ी बकरी ने कहा, मैं हूँ बड़ी बकरी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
बड़ी बकरी बोली, ऐसा तुम सोचते हो कि तुम मुझे खा जाओगे, मैं तुमसे डरती नहीं। उसने अपना सिर नीचे किया और दौड़ के उस ट्रॉल पे हमला किया। बकरी ने उसे कहा, टाटा बाय बाय। ट्रॉल हवा में उड़ गया और फिर पानी में जा गिरा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और वो ट्रॉल पानी में डूब गया। और तीनों बकरियों ने कहा, अरे वाह, ये घास कितनी लंबी लंबी है, कितनी हरी हरी है, ये तो सिर्फ हमारे लिए है। और वो तीनों घास खाने लगी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर दिक्कत से निकलने के लिए रास्ता होता है।